हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इखलाक और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल सोचो डेल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वेस्टर्न यूनियन के एप्लीकेशन से किस तरीके से पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया में घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने वेस्टर्न यूनियन का ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम फिंगर से जो है टिकट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ से वेस्टर्न यूनियन से पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेते हैं जिस भी कंट्री में हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए यहाँ से हम कंट्री चूज़ कर लेते हैं, इंडिया। सिंपल, आपने देखिए मैंने इंडिया पे सेलेक्ट कर लिया है। अभी मुझे जो है 98,000 जो है इंडिया में ट्रांसफ़र करना है पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो अभी हमारी जो है लिमिट बढ़ गई है, तो चलिए हम यहाँ पे 98,000 जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखते हैं कितना अमाउंट जो है यहाँ पे निकल के आता है, ये प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 506 दिनार 8 रुपये 80 पैसे बन के आए हैं। ये वेस्टर्न यूनियन का अमाउंट है। तो अभी मुझे जो है बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपल, यहाँ पे बैंक का सेक्शन आपको दिख रहा है बाजू में, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नीचे आना, पहले चेक कर लेना है कितना अमाउंट बन रहा है। तो अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अमाउंट बन के आ रहा है टोटल, वो 504 दिनार 2 रुपये 10 पैसे बन के आ रहा है और 1 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक के आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप नया अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मेरा अकाउंट सेफ है नीचे, तो हम यहाँ पर उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल, यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद वेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है और ये यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको नेम वगैरह लिख के आ जाएगा। यहाँ पे पर्पस जो है फंडिंग सोर्स और जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये सिंपल, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड सब आ गया है यहाँ पे लिख के, मोबाइल नंबर भी आ गया है। सिंपल, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट पे जो है क्लिक कर देना है। फंडिंग सोर्स में जो है सैलरी या फिर सेविंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल जो है नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये रिव्यू के लिए जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो है तो इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है, ये घूम रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप एक बार पेमेंट को रिव्यू कर लिए, यहाँ से जो है सेंडर का नेम लिख के आ रहा है, पेमेंट जो है डेबिट कार्ड से कि कंट्री जो है बहरीन से जो है पेमेंट भेजा जा रहा है, ये इतना अमाउंट है और इंडियन करेंसी में ये बनेगा, सेविंग अकाउंट है। तो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपनों एनएसी रिमार्ट में पेमेंट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे 504 दिनार 2 रुपया 10 पैसे पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं कार्ड नंबर डाल के। तो यहाँ पे कार्ड नंबर और डिटेल्स डालने के बाद सिंपल कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये पेमेंट जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंफर्म पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट पे देख सकते हो आप। तो जैसे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा योर ट्रांसफ़र मनी इज़ सक्सेसफुल। तो देखिए दोस्तों, बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है कि आपका पेमेंट जो है वो डिटेक्ट हो गया है। हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है। ये काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों, 10 मिनट में आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। तो ये प्रोसीड हो रहा है, नेट स्लो हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है वेस्टर्न यूनियन की एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बेनिफिट पेमेंट इज सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हैज़ बिन प्रोसीड पे क्लिक हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सक्सेसफुल प्रोसीड हो गया है। ये बोल रहा है 1 से 3 दिन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे अनदर ट्रांसफ़र पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा पेमेंट जो है वो इंटरव्यू में है। यहाँ पे हिस्ट्री में चलते हैं तो ये पेमेंट कैंसिल का मांग रहा है, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 503 दिनार 4 रुपये 80 पैसे, इसमें चार्ज जुड़ के नहीं आया है, चार्ज अंदर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पेमेंट जो है इन रिव्यू है। तो जैसे अप्रूव हो जाएगा तो हमारा जो है पेमेंट बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों, 10 मिनट लगता है
बैंक में डिपॉजिट होने के लिए, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ऑफकोर्स लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो मेहनत का फल है वो दोस्तों आपके लाइक के बटन पर क्लिक करना है। और फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय।